आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट में। ऐसे तो एकेडमिक का और भी वीडियो आ चुका है, खास करके कम्पटिटिव लेवल का ये चैनल हम लोग चलाते आ रहे हैं। इसमें उसी तरह का वीडियो अपलोड होते रहा है, करेंट अफेयर और विभिन्न तरह का। लेकिन यह चैनल अब क्लास 10th बिहार बोर्ड और खास करके NCERT के पैटर्न पर आधारित पूरा सिलेबस लेकर के आया है, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हिस्ट्री सिविक्स अर्थात की पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हिंदी संस्कृत इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का वीडियो आएगा। बिल्कुल क्लासरूम फैसिलिटी आपको मिलेगी और आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा क्वेरी होगी तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा इस वीडियो में और प्रत्येक वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उस टेलीग्राम के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक के माध्यम से। और जो भी समस्या है उस टेलीग्राम चैनल में आप आ करके अपना समस्या को लिखिए, आपके समस्या को दूर करने का कोशिश किया जाएगा। आपका एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक क्लासरूम फैसिलिटी आपको मिले और आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके, साथ में रिविजन के लिए भी एक तरह से आप वीडियो मददगार साबित होगा। वैसे छात्र जिनके पास ट्यूशन और कोचिंग की सुविधा नहीं हो पा रही है उनके लिए और ज्यादा मददगार सिद्ध होगा। मैं हूं विश्वरंजन और आज मैं फिजिक्स का वीडियो लेकर के आया हूं। यह पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है फिजिक्स का क्लास 10th का। और लगातार मतलब प्रत्येक वीक में एक सब्जेक्ट का एक वीडियो आएगा, मैथ का दो वीडियो आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। कोशिश रहेगा कि आने वाले नवंबर में हम लोग सिलेबस को खत्म कर दें ताकि आपके पास 2-3 महीने का रिवीजन का समय रहे और आप आसानी से रिवीजन करके अच्छे मार्क्स लेके आए। तो हम लोग आज फिजिक्स का शुरू करेंगे, इसी तरह से हिस्ट्री बाकी भी सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल पे आएगा, आ भी चुका है, आप उसका देख भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। देखिए दरअसल प्रकाश जो है वह क्या है, प्रकाश क्या है सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो प्रकाश जो है वह फोटोन कणों से मिलकर के बनता है। प्रकाश क्या है, फोटोन कणों से मिलकर के बनता है। और प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को देख पाते हैं, देखने में सक्षम होते हैं। तो प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है। और प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक क्या है, तरंग है। किस प्रकार का तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, हम लोग आगे के जो चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उसमें हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना जानिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग भी प्रकाश है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। देखिए जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है ना वह अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये कंसेप्ट को याद रखना है। तो प्रकाश विद्युत चुंबक के तरंग है तो यह अनुप्रस्थ तरंग भी होगा। तो प्रकाश जो है हम लोग बार बार इसको याद, देखिए कोई चीज को हम इतने बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको पूरी तरह से याद हो जाए, हम आगे धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए बढ़ेंगे। अब यहां पर बात आता है कि प्रकाश की अधिक चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होता है 3 × 10⁻¹⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह निर्वात में सर्वाधिक होता है, बाकी माध्यमों में चाल कमते जाता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत अर्थात कि प्रकाश की उत्पत्ति का जगह। तो जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, सूर्य जो है वह सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। तो दूसरी चीज है, अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बल्ब देखते हैं, ट्यूबलाइट देखते हैं, वो क्या है, प्रकाश का स्रोत है ना। हम लोग बल्ब जलाते हैं प्रकाश आना शुरू हो जाता है तो वह क्या है, प्रकाश का स्रोत है। तो जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे दिया भी हो गया, मोमबत्ती भी हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य, सभी जो है वो प्रकाश के स्रोत होते हैं। अब देखिए दो चीजें हैं यहां पे कि प्रकाश जो है वह जैसे एक क्या है, ऊर्जा है, लेकिन
विभिन्न दूसरे तरह के ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है, जैसे दिया जलाते हैं तो दिया क्या है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है ना, तेल है वो रसायन है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला गया। उसी तरह से मोमबत्ती हो गया, क्या हो गया, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला गया। उसी तरह से आगे चलते हैं तो बल्ब, अगर बल्ब हम जलाते हैं तो क्या है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। तो यहाँ पे ऊर्जा का रूपांतरण होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग ये देख रहे हैं प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। देखिए वैसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्पन्न या उत्सर्जन करते हैं, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न या उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उसे दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है। जो प्रकाश क्या करता है, तो उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है, जैसे सूर्य, सूर्य क्या हो गया, तो प्रदीप्त वस्तु हो गया, है ना। जैसे जलता हुआ बिजली का बल्ब क्या है, तो प्रदीप्त वस्तु है। मोमबत्ती क्या है, प्रदीप्त वस्तु है, अर्थात कि जो उत्सर्जित करे प्रकाश को वह प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाता है। अब यहां पर क्या बात है, अगला अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु का मतलब है कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता हो, उसका अपना प्रकाश नहीं रहता हो चंद्रमा, वह क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है। उसी तरह से अब लकड़ी का कोई टेबल हो गया, वह क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता हो वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा, जो प्रकाश का उत्सर्जन करेगा वह प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। एकदम क्लियर कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल ऑब्जेक्टिव का भी है ना। 30-40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के आएंगे, वहां से नंबर आएगा आपका, तो हर चीज को ध्यान से रखेंगे तभी आगे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हम लोग प्रकाश पढ़ लिए, प्रकाश के स्रोत पढ़ लिए, प्रदीप्त पढ़ लिए, प्रदीप्त वस्तु पढ़ लिए। प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत VVI क्वेश्चन है, प्रकीर्णन क्या होता है। तो होता क्या है कि जब प्रकाश होता है सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जो है वह सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण जो होता है वह उस पर पड़ने वाले प्रकाश के ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे सूक्ष्म कण जो होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और बाद में उसे उत्सर्जित करते हैं। बाद में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, छोड़ते हैं। तो यह प्रक्रिया जो होता है, पहले अवशोषित करके फिर उत्सर्जित करने का, उसे हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की किरणों को छोटे कण सूक्ष्म कण पहले अवशोषित करके उसे उत्सर्जित करते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। यह तो प्रकीर्णन हो गया। अब प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश की किरण क्या है, तो सरल रेखा, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण हमेशा सरल रेखा में चलता है, एक चलने मतलब प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में जब चलता है तो उसे प्रकाश का किरण कहा जाता है। देखिए ये सब इन चीज छोटे छोटे चीजों को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाए अपने पूरे बुक के पूरे कहिए कि चैप्टर के हर एक चीज को आप जान पाए धीरे धीरे। इसे मैं बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो प्रकाश के किरण समझ में आ गया, प्रकीर्णन समझ में आ गया, है ना। और दूसरी चीज है कि प्रदीप्त पदार्थ जो होते हैं वह सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। प्रदीप्त पदार्थ क्या होते हैं, वह प्रकाश को सरल रेखा में भेजते हैं, ये सब हम बात कर चुके हैं। हम यहां पर अब देखते हैं, देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे यहां पे कि प्रकाश की किरण क्या होता है। अब यहां पर हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है भाई, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, इसके प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं, एक नंबर क्वेश्चन, उसमें यह सब पूछा जाता है भाई, तो विशेष ध्यान से याद करने की जरूरत है। तो प्रकाश का जो किरण पुंज है वह तीन प्रकार का होता है। प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला देखते हैं अपसारी किरण पुंज।
अपसारी किरण पुंज उस प्रकार के किरण पुंज को कहते हैं, उस प्रकार के प्रकाश के समूह को कहते हैं जहां प्रकाश का अपसार होता हो, फैलाव होता हो, है ना। अर्थात जब एक बिंदु से प्रकाश के किरणों का फैलाव हो तो उसे हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। अर्थात जब एक किसी बिंदु से, देखिए एक बिंदु है, एक बिंदु से प्रकाश किरण निकल करके फैलती हो या फैलती हुई प्रतीत होती हो, ये फैल रहा है ना जी, आगे की ओर फैल रहा है। प्रकाश के एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकल करके फैलती हो या फैलती हुई प्रतीत होती हो तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। एक बिंदु से जब फैलेगा तो क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब समानांतर देखते हैं, प्रकाश की किरणें जब बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर चले, प्रकाश की किरणें जब बिल्कुल एक बिंदु से निकल करके और समानांतर चले, प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे के समानांतर चले तो उसे हम लोग कहते हैं समानांतर किरण पुंज। ये समानांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल हो गया, या अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल हुआ, या समानांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल हुआ। देखिए समानांतर चल रहा है, पहला चल रहा है, ये क्या हो रहा है, अपसारित हो रहा है ना, फैल रहा है। और तीसरा जो है वह क्या है, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है जी, अभिसारी किरण पुंज। मतलब कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या हो, मिले, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके क्या हो, मिले, एक बिंदु पर आकर के मिल रहा। देखिए डायरेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान देना है ना। देखिए ये मिल रहा है, प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है, ये बिंदु है यहाँ पर सब आकर के मिल रहा है, यानी कि जमाव हो रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होगा, जब फैलाव हो, एक बिंदु से जब फैले तो उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण समानांतर चले तो समानांतर किरण पुंज कहेंगे, है ना। और जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के मिले तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ये तो प्रकाश के किरण पुंज के तीन तरह के जो थे टाइप वो बताए। अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ। देखिए पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ, तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, है ना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहा जाता है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहा जाता है। तो वैसे पदार्थ जिससे हो करके प्रकाश आर पार हो जाए, मतलब वैसे पदार्थ जिसे प्रकाश की किरणें का पूरा भाग आर पार हो जाए, प्रकाश के किरणों का पूरा भाग आर पार हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे जी शीशा, शीशा खिड़की में लगा हुआ रहता है, खिड़की बंद होती है फिर भी प्रकाश रूम में कमरे में आ जाता है, तो यानी कि वहां से आर पार होकर के आ रहा है, किससे, शीशे से। तो शीशे क्या हो गए, पारदर्शी पदार्थ हो गया, है ना। तो पानी, पानी क्या है, पानी से भी देखते होंगे कि नीचे कोई चीज रखा हुआ है तो हम लोग देख लेते हैं, अर्थात कि वहां भी प्रकाश आर पार हो रहा है तभी ना देख रहे हैं, मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हो, आर पार देखने का मतलब है कि प्रकाश आर पार हो रहा है। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश का पूरा भाग आर पार हो जाए उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, इसके आर पार देखा जा सकता है। फिर हो गया पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ का मतलब है कि कुछ भाग आर पार होगा, कुछ भाग पार करेगा और कुछ भाग पार नहीं करेगा, है ना। जैसे घिसा हुआ कांच, वो देखिएगा घिसा हुआ कांच को देखिएगा तो थोड़ा तो दिखेगा लेकिन पूरा नहीं दिखेगा कि सामने क्या है, तो वो क्या है, वो क्या है, पारभासी पदार्थ है, वो पारभासी पदार्थ है, क्योंकि उस प्रकाश से किरणों का कुछ भाग तो आर पार हो रहा है और कुछ भाग नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम लोग आंशिक रूप से देख पाते हैं, पूरा नहीं देख पाते हैं, तो पारभासी पदार्थ हो गया। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जिससे कि प्रकाश के किरणों का कुछ भी भाग पार नहीं हो, जैसे दीवार, दीवार के उधर देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसके उस ओर प्रकाश नहीं जा पा रहा है, इसलिए वो नहीं देखा जा सकता है, तो इसीलिए उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जिससे कि प्रकाश के किरणों का कुछ भी भाग पार नहीं कर पाता हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। तो ये हम फॉर्मूला देखिए जो भी है परिभाषा वो बताते चल रहे हैं, है ना। इसको दो तीन बार आप आगे पीछे वीडियो करके के सुनिएगा। दूसरी चीज है कि जब चैप्टर खत्म होगा तो पूरा का पूरा पीडीएफ देंगे, समर्पण चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप
हमारा YouTube चैनल का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसे पूरा का पूरा PDF मिलेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ऑब्जेक्टिव, हर चीज मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का स्पेशल वीडियो बना करके हम लोग डाल देंगे स्लाइड में। तो मतलब पूरा तैयारी की व्यवस्था की गई है। तो एकदम बिल्कुल जुड़े रहिए, अपने छात्रों को भी, सॉरी अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी लाभ उठा पाए। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है प्रकाश का परावर्तन। हम लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौटती है ना। प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कहीं से प्रकाश, किसी स्रोत से प्रकाश आ रही है ना। मान के चलिए कि ये वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, तो क्या, और हम यहाँ पर खड़े हैं, हम लोग यहाँ पर क्या है, खड़े हैं, हम यहाँ पे हैं, ये वस्तु यहाँ पर है। तो किसी भी स्रोत से आया टकरा करके यहाँ पर आया प्रकाश, और यहाँ से टकरा करके जब मेरे आंख पर आएगा तो हम उस वस्तु को देख पाएंगे, और नहीं आएगा तो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अंधेरा में कोई वस्तु नहीं दिखता है, क्योंकि वहां से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, प्रकाश होता नहीं है। तो प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? किसी वस्तु के देखने के नियम को जानने के लिए, कि कोई वस्तु क्यों दिखता है, कैसे दिखता है। तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा प्रकाश के परावर्तन के बारे में, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो अभी जस्ट बताए कि इस प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु से टकरा करके वापस लौटती है, तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए, कोई भी घटना एक नियम पर आधारित होता है, खास करके फिजिक्स में। ऐसे ही कपोल कल्पना नहीं है कि जो पाए वो बोल दिया गया, एक नियम होता है। तो प्रकाश के किरण जिस नियम के अनुसार किसी सतह से टकरा करके वापस लौटती है, जिस नियम का पालन करते हुए, जिस नियम को फॉलो करते हुए वह परावर्तित होती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। सीधा सा बात है, प्रकाश के किरण जिस नियम का पालन करते हुए किसी भी सतह से टकरा कर वापस लौटती है, परावर्तित होती है, तो उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहा जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम जानने के लिए हम लोग कुछ ये सब जो टेक्निकल वर्ड है, कुछ उसको जानना जरूरी है, तभी हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम तक पहुंच पाएंगे, उसको अच्छे से जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण क्या होता है? तो जैसे देखिए, किसी भी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ये फिगर के माध्यम से हम समझाने की कोशिश किए हैं। ये मान लिया जाए कि यह समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी? समतल दर्पण है। अब देखिए, ये प्रकाश की किरण यहां से ऐसे 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 जा रही है, देख रहे हैं ना, ये प्रकाश की किरण ऐसे 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 गया, यहां टकरा गई, यहां क्या हो गई, प्रकाश किरण टकरा गई। तो इस किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। याद रखने की जरूरत है, आपतित किरण किसे कहते हैं? तो किसी भी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। अब ये जब यहां पर आकर के टकराएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पर टकराएगी उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। यहां पर टकराई तो ये हो गया आपतन बिंदु, ये क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। अब जब यहां से आकर के आपतित हुई तो यहां से परावर्तित भी होगी, तो ये वापस लौट गई। देखिए, ये किरण क्या हो गई, यहां से वापस लौट गई, यानी कि परावर्तित हो गई। ये देखिए, इधर लौट रही है ना, डायरेक्शन देखिए। तो इस किरण को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। कहीं से आ करके यहां पर आके टकराई, आपतित हुई, तो इसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण। जहां पर, जिस बिंदु पर टकराए उसे कहेंगे आपतन बिंदु। और वहां से टकराने के बाद जब रिटर्न होगी, परावर्तित होगी, तो उसे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। क्लियर हो गया? तीन चीज, ये समतल दर्पण है जी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात, ये हो गई, हो गया क्या जी, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो यहां से ये जो डॉट 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 है ना, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब
या जो अभिलंब है एन, इसको एन मान लिए, यहाँ ओ मान लिए है, या ए यहाँ बी, एन ओ बी है ना, एंगल एन ओ ए, सॉरी ए है, एन ओ ए, कौन सा कोण बनाएगा? आपतन कोण। कैसे? तो ए आपतित किरण है ना, तो आपतित किरण जो है वह आपतन बिंदु और अभिलंब के माध्यम से जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण जो अभिलंब से के माध्यम से, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब पड़ता है उसके माध्यम से जो कोण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो एंगल एन ओ ए क्या हो गया? आपतन कोण हो गया। आपतन कोण को हम लोग कहेंगे, सूचित करते हैं किसे? आई से, स्मॉल आई से, ए आपतन कोण हो गया। और यहां देखिए एंगल एन ओ और ए बी, एंगल एन ओ बी ए कौन सा कोण बना रहा है? तो ये परावर्तित किरण है ना जी, तो परावर्तित किरण जो है वह आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के माध्यम से कोण बना रहा है, ए इस तरह से, तो ये हो गया परावर्तन कोण। अर्थात कि परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं, है ना। परावर्तन कोण को किसे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण जो आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के माध्यम से जो कोण बनाते हैं उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, और आपतित किरण अभिलंब पर डाले गए, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के माध्यम से जो कोण बनाते हैं उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लिए प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, और परावर्तन कोण क्या होता है। यह फिगर बहुत यहां से देखिएगा, तीन चार बार बता चुके हैं, अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है, कोई भी तरह का दिक्कत आता है, बार बार बोल रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा, है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे कोई भी दिक्कत हो निसंदेह लिखिए भेजिए और उसको सोल्व करके बताने का कोशिश किया जाएगा। अगर वहां पर नहीं संभव हो पाया तो एक स्पेशल वीडियो बना करके आपके समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे, एकदम 100% गारंटी है एकदम। तो इसलिए कोई भी दिक्कत तो जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। अब इतने सारे वर्ड को जानने के बाद, इतने पदों को जानने के बाद यह क्लियर हो जाएगा हम लोगों को, आराम से समझ पाएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं भाई? तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जिस नियम के माध्यम से होता है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहा जाता है। तो आखिर है क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम, कितने हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? दो होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का? तो ध्यान रखिएगा, आपतित किरण, मान के चलिए यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, यह समतल दर्पण है, आपतित किरण, अभी जस्ट बताएं आप लोगों को फिगर के माध्यम से, याद थोड़ा सा रखिएगा, उसको रिकॉल करिएगा। तो आपतित किरण, यह देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, देखिए ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण, जब यहां पर आपतित होगा तो परावर्तित भी होगा, यह परावर्तित हो गया, तो आपतन आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है बताए थे, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, फिर से आपतित किरण, परावर्तित किरण, ऐसे गया ऐसे आया, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, अलग अलग नहीं होगा, तीनों एक ही जगह पर होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि यह समतल दर्पण है, आपतित किरण यहां पर आया, परावर्तित यहां से होगा और अभिलंब यहां पर डाला हुआ रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा क्या होगा, ये आपतित किरण यहां पे आएगा, परावर्तित यहीं से होगा और आपतन बिंदु यहीं पर होगा, अभिलंब इसी बिंदु पर होगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यह पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, फिर से ध्यान रखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, है ना, उसे हम लोग कहेंगे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? तो
आपतन कोण, देखिए यहाँ पर आपतन कोण बना था आपतित किरण से, कौन सा ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण है, और ये कौन सा किरण है तो परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनेगा उसे हम लोग कहेंगे कौन सा कोण, तो आपतन कोण। आपतन कोण को आर से सूचित, सॉरी आई से सूचित किया जाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के माध्यम से जो कोण बनेगा उसे हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण, उसे आर से सूचित किया जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, अर्थात आई आई इक्वल टू आर। यह प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम बात कर लिए, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, आई इक्वल टू आर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो गए हैं, बिल्कुल आरेख चित्र के माध्यम से हम बताने की कोशिश की, फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो इसको कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान से रखने का जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह समतल दर्पण है तो प्रकाश की किरण क्या होते ना है कि बिल्कुल लंबवत पला और लंबवत रिटर्न हो गया, मतलब कि ऐसे गया, देखिए ऐसे टकराई इस बिंदु पर आकर के टकराई प्रकाश किरण यानी कि आपतित हुआ और इसी से रिटर्न हो गया, या देखिए इसी से रिटर्न हो रहा है ना, यहां से जा भी रही है इसी बिंदु पे और वहीं से सीधा सीधी रिटर्न भी हो रही है। तो उस स्थिति में भी यहाँ पे मान क्या होगा, आपतित किरण परावर्तित किरण का आपतन कोण परावर्तन कोण का बिल्कुल बराबर होता है। तो बहुत सारा स्थिति में क्या होता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ भी आई इक्वल टू आर ही होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, लेकिन चूंकि यहीं से आया यहीं से गया तो इसको इक्वल टू जीरो हो जाता है, कोई मान नहीं होता है ना, तो आई इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। हम लोग आगे इस पर विचार करेंगे, जो न्यूमेरिकल होगा इस चैप्टर में उस न्यूमेरिकल को भी बनाया जाएगा। तो बिल्कुल इसीलिए बार बार बता रहे हैं ताकि आने वाले समय में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, अब हम लोग अगले जो क्लास होगा, अगले क्लास में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इसके आगे क्या प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण में कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उसका क्या नेचर होता है, छोटा होता है बड़ा होता है, बहुत सारे चीजों पर मतलब पूरे टॉपिक जितना भी है कवर करेंगे और हर एक को आराम से धीरे धीरे डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताएं, कोई समस्या है निश्चित तौर पर हमें अगर कोई दिक्कत इसमें है, सुधार की जरूरत है तो वो भी बताएं, सुधार अगले वीडियो में करने का कोशिश करेंगे, कमेंट बॉक्स में बता करके बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर जो दिक्कत है वो बताइए, उस पर हम दिक्कत का समाधान करेंगे, और चैप्टर खत्म होने के बाद पूरे का क्वेश्चन आंसर का PDF आपको दे दिया जाएगा। तो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो नए हैं चैनल पर कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।